नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया, जो कि मेरे लिए एक दिन के बारे में था, जो इट वाज अबाउट अ डे इन अ लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, आज के वीडियो में मैं थोड़ा सीरियस टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, विच इज़ अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। रिसेंटली मेरे एक दोस्त को हमें अर्जेंटली हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा था, और उस दिन मुझे बहुत सारी चीज़ें नई पता चली जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। ओके, नाउ बिफोर गोइंग इन टू डिटेल्स ऑफ दैट, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो, बट अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज अपना गोल अभी बदल चुका है, अभी अपना गोल 25,000 हो चुका है। तो अगर आप मेरे 25,000 गैंग का पार्ट नहीं हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज आने वाले हैं और आ रहे हैं। ओके, तो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। दो या तीन दिन पहले मुझे मेरे दोस्त ने अर्जेंटली कॉल किया, और जिसमें उसको सीवियर नी पेन हो रहा था, और उसने मुझे बोला कि जल्दी से आकर मुझे हॉस्पिटल में लेके आना पड़ने वाला है, तो जल्दी आओ और ताकि हम हॉस्पिटल जा सके। तो जब हम उनको हॉस्पिटल लेके गए तो बहुत सारी चीज़ें हमको नई पता चली, जिसमें था कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो जब भी आप कोर्सेज के लिए रजिस्टर करते हो उससे पहले आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस आ जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो जो हमको वहाँ बतानी पड़ी वो थी हमारा इंश्योरेंस की रिसिप्ट, या जिसमें इंश्योरेंस नंबर होता है और इंश्योरेंस की कंपनी का और आपका एड्रेस होता है, आपका फुल नेम होता है। तो प्रोसेस स्टार्ट होती है आपके वो उस रिसिप्ट से। तो हमेशा वो रिसिप्ट आपके गूगल ड्राइव पे, या फिर आपके फ़ोन में, या फिर आपके व्हाट्सएप में बैकअप में कहीं पे तो होनी चाहिए। ओके, हर इंश्योरेंस के साथ एक आईडी कार्ड आता है, वो कार्ड हमेशा आपके वॉलेट में रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर आपको अर्जेंटली कभी हॉस्पिटल जाना पड़ा तो आपको वो दिखाना पड़ सकता है। तो वो कार्ड आप हमेशा आपके साथ रखिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हॉस्पिटल आपके इंश्योरेंस में कवर्ड है। ओके, बिकॉज जब हम उसको लेके जा रहे थे तो हमको पहली चीज़ ये ढूंढनी पड़ेगी कौन सा ऐसे हॉस्पिटल है जो जहाँ पे ये इंश्योरेंस लागू होगा और जो यूज़ करते आएगा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, और आपके एक दो दोस्तों में वो शेयर करके रखिएगा, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको भी पता रहे। इसको छोड़ के कुछ और चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, एक तो चीज़ ये है कि डिडक्टेबल्स। ओके, कोई भी इंश्योरेंस 100% आपके एक्सपेंसेस कवर नहीं करता है, एज फार एज आई नो। ओके, डिडक्टेबल इज़ द वैल्यू जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको खुद को पे करनी पड़ती है। ओके, सो सपोज आपके डिडक्टेबल वैल्यू 200 है, तो आपको जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको $200 तक जो भी खर्चा आएगा वो खुद के पॉकेट से देना पड़ेगा। उसके बाद का खर्चा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। उसमें को इंश्योरेंस करके एक टर्म होती है जिसमें रेशो बताया जाता है कि जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस आएंगे उसमें कितने परसेंट आप देने वाले हो और कितने परसेंट इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो वो रेशो भी आपको पता होना चाहिए, आपको आपके प्रीमियम्स पता होने चाहिए। जनरली एजुकेशन के जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं वो वन टाइम हम पे करते हैं फॉर 6 मंथ्स और 1 ईयर, तो उसके बारे में चेक कीजिए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिसीजेस या फिर कौन कौन सी चीज़ें आपके इसमें कवर्ड है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं है। जैसे डेंटल कोई भी काम हो तो वो मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंसेस कवर नहीं करते हैं, तो आपको उसको अलग से उसके लिए इंश्योरेंस लेना पड़ता है, या फिर उसके लिए खुद से पैसे देने पड़ते हैं। ये थी कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं पता चली रीसेंट इंसिडेंट के बाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको हिंदी में वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपको उससे हेल्प हो रही है। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक लिखिए। आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी दोस्त को हेल्प होगी तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पर शेयर करना बहुत ईजी है, सो आप जो भी ग्रुप में हो सारे ग्रुप में इस वीडियो की लिंक पोस्ट कीजिए, ताकि सबको इसकी हेल्प हो। और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। बाय बाय।